हेलो फ्रेंड्स, manisha.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ झारखंड का एक विशेष रेसिपी, खासिया की रेसिपी। प्लेन काले चने की बनने वाली ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कटोरी देसी चना जो है काले चने ले लिए हैं। इसे अच्छी तरह से चुन के साफ कर लेना है, जो छोटे टुकड़े जो है डाल के, टूटे फूटे चना या फिर कुछ भी गंदगी हो तो उसे मैं हटा देती हूँ। एक एक कर सबको इस तरह से चुन लेना है। इस तरह से मैंने चुन लिया है और चना एकदम से साफ हो गया है। देखिए, अब मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, इसमें मैंने चना को डाल दिया है। बस इसे जस्ट धो लेना है, इसे भिगोने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने धो के इसे छान लिया है ताकि एक्स्ट्रा जो पानी है वह निकल जाए फटाफट से। अब मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, बस पैन में मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। बस सूखे हुए चने को सामने ही ऐसे ही जस्ट ड्राई रोस्ट करना है। लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में इसे भूनना है। इस तरह से लगातार चलाते रहना है ताकि एक साइड से न जले। धीरे धीरे करके इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है वह सूख जाएंगे। तो देखिए, काफ़ी हद तक जो पानी है उसका सूख चुके हैं। इस तरह से इसे अच्छी तरह से भूनना है। तब तक मैं इधर मसाले तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 5-6 हरी मिर्च, 15-20 काली मिर्च, साथ में 1 स्पून जीरा, 1 प्याज और 8-10 लहसुन की कली को ले लिया है। इसका एक बारीक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। पानी बिल्कुल ही नहीं डालना है, जस्ट 1 स्पून डालने से ही चल जाएगा काम। और इधर मैं देखिए चना कितने अच्छे तरह से सूख चुके हैं। अब धीरे धीरे करके इसे अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। एक मैं चेक करके देख लेती हूँ हुआ है कि नहीं। इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए इसमें से महक भी आ रही है काफ़ी अच्छी। जब चना भून जाए उसमें से काफ़ी अच्छी महक आती है। जस्ट हाफ भून चुकी है तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल और इसे लगातार चलाते हुए और अच्छी तरह से 1-2 सेकेंड इसे चला लेना है। इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। जो बाकी बचे हुए हैं वह भी इसे अच्छी तरह सीख जाए। देखिए इस तरह से अब मैंने डाल दिया है सॉल्ट टेस्ट अकॉर्डिंग। पहले मैंने सॉल्ट नहीं डाला था, फिर भूनने के बाद जस्ट यह फ्राई हो चुका है। अब इसे सॉल्ट डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये भी लगातार चलाते हुए भूनना है। देखिए ताकि उसकी आवाज़ भी आ रही है। इससे चने हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ जो मसाले मैंने तैयार किया था वो मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। मसाले को डालने के बाद इसे जस्ट अभी से चला लेना है। इस तरह से सारे चने में मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालना है हल्दी, साथ में मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए। और इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो मसाले हैं अच्छी तरह से सूख जाए, ताकि अच्छी तरह से ड्राई होके चने में अच्छी तरह से मसाले कोट हो जाए। ये लगातार चलाते रहना है और मसालों से काफ़ी अच्छी महक भी आती है, काफ़ी शानदार जो काफ़ी डिलीशियस लगते हैं। देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है। इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगे, 1 स्पून ऑयल में ही देखिए
यह शानदार रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। बाकी की जो मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, जो ग्राइंडर का जार था उसे ऐड कर दिया है। साथ में मैंने टेस्ट किया था, नमक थोड़ा सा कम लगा मुझे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया और इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनना है। इस तरह से अच्छी तरह से मसालों को ड्राई कर लेना है, क्योंकि यह जो मैं खसिया बना रही हूँ यह 15 से 20 दिन आराम से रह जाएंगे डब्बे में। जब ठंडा हो जाए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में करके इसे 15 से 20 दिन हम स्टोर कर सकते हैं। इसलिए मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, कोई भी मॉइस्चर ना रहे, बिल्कुल इसे लो फ्लेम में करना है। इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से एकदम से अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। जो देखिए शानदार खसिया की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर और मैं इसे चला लेती हूँ। इतनी अच्छी आवाज़ भी आ रही है इसमें से, काफ़ी क्रिस्प हो चुके हैं। यकीन मानिए यह खाने में इतने स्वादिष्ट बनते हैं कि आपका आप इसके फैन हो जाएंगे। तो देखिए तैयार है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब एक बाउल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। देखिए शानदार खसिया की रेसिपी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।